नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग ठीक एक वर्ष पूर्व हम जब यह सड़क बन रही थी, इस निर्माणाधीन मार्ग पर आए थे और एक ब्लॉग बनाकर, एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाया था और आशंका जताई थी कि ये क्षेत्र जब विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, जब ये रास्ता चालू हो जाएगा, उसके बाद इस रास्ते में अतिक्रमण होंगे और यही रास्ता भूमाफिया और व्यापारियों के कब्जे में आता चला जाएगा और यहाँ की शांति एक तरह से हर भी है। तो आज देखते हैं ये मार्ग कैसा है, इस मार्ग की सुंदरता देखते हैं, इतनी उस पर चार चांद लगाया गया है या लोगों द्वारा इसे अतिक्रमण कर लिया, बेकार कर दिया गया। वर्तमान में मैं आपको बताऊं, हम इस समय जहाँ खड़े हैं, हमारे सामने इधर उत्तर दिशा की तरफ रुड़की शहर जो जाता है, अब वो रास्ता लगभग आधा इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादातर लोग जो मेरे सामने जो पश्चिम दिशा की तरफ ये जो मार्ग जा रहा है, दिल्ली देहरादून मार्ग है, रुड़की से बाईपास निकल रहा है, यहाँ से लोग निकल जा रहे हैं। और दूसरा जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जो ऊपर जो है वो पुल बना है, वो पहले नहीं था, वो हाईवे बना दिया गया है। वो हाईवे पहले नहीं था, वो हाईवे हरिद्वार की तरफ जा रहा है। तो इस समय जैसे अगर कोई विशेषकर दिल्ली से लोग आते हैं, देहरादून जाने वाले लोग लेफ्ट हैंड साइड जो है देहरादून मार्ग है, और हरिद्वार जाने वाले उस हाईवे से पुल के ऊपर से जा सकते हैं। तो अब इस तरह अतिक्रमण की बात कही थी, अनदेखा था, मैं थोड़ा बहुत इधर मैं दिखाना चाहूँगा या अतिक्रमण क्यों हो चुका है। वहाँ ज़्यादातर वो ज़मीन सरकारी है और जो हाईवे मैनुअल के अनुसार वहाँ पर दुकान वगैरह नहीं होती थी, वहाँ पर दुकान वगैरह बन गई। तो ये भारत के रहने वाले लोग आमतौर पे आदतन ऐसे होते हैं, और कुछ लोगों को तो मौका चाहिए लैंड माफिया वगैरह को। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे क्या स्थिति है और रोड की क्या विशेषता है, क्या खास चीज़ें सड़क पर बनाई गई है। और यहाँ से चलकर जो आगे जहाँ से ये पुराने मार्ग पे ये सड़क मिल रहा है वही चलेंगे। आइए चलते हैं। इस समय सर्दी की कांवड़ भी चल रही है और ये वही स्थान है, चारों तरफ से दिखाएंगे। इधर अभी भी खेत है, ये बस स्टॉप जो बनाया गया था ये उजाड़ दिया गया एक तरह से। सहारनपुर 44 किलोमीटर, देहरादून 75 किलोमीटर, यमुनानगर 101 किलोमीटर। ये पुल के नीचे जो रुड़की जाने वाला मार्ग है, इधर सामने खेती हो रही है और वहाँ दूर वहाँ नहर है जो अभी हम आपको दिखाएंगे। इस जगह से रुड़की 5 किलोमीटर है, हरिद्वार 37 किलोमीटर और मुजफ्फरनगर 48 किलोमीटर, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं। ये वो हरियाली है जो कुछ इलाकों में लगभग देखी ही नहीं जाती है। इस पर इस नहर का असर, ये बराबर में गंगा जी का जल, गंग नहर
ये दिख रहा है, ये सामने पुल है, ये पुल बनाया गया है। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर पुल, मजबूत पुल। आधुनिकता और पौराणिकता व प्रकृति का संगम है यहाँ। ये कुछ युवा आए हुए हैं यहाँ ये पुल देखने के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? मंगलोर से। पास के ही है जी। तो कैसा लग रहा है आपको ये पुल? ये यहाँ पे जब से पुल बना है ना सर, यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन आती है और यहाँ पे इतने बंदे अपने पिक अपलोड करने के लिए आते हैं, पिक लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटोग्राफी के लिए आए हुए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आपको ये विकास पसंद आ रहा है? बहुत अच्छा विकास। आपका क्षेत्र लगातार तरक्की कर रहा है, आपको खुशी होगी इस बात की? बहुत विकास हुआ है सर। अच्छा जी, अच्छा जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य, हरे भरे खेत। इस समय गन्ने की खेती हो रही है और ये बहुत ही सुंदर मोड़, ऐसा प्रतीत हो रहा है हम जैसे कहीं किसी दूसरे देश में, विदेश में घूम रहे हैं। भाई वाह, को देख सकते हैं बिल्कुल आधुनिक खंभे, नए डिजाइन के खंभे, बिल्कुल ही नए डिजाइन के खंभे हैं ये। इधर ये सामने तेली वाला का जो क्षेत्र है, स्टेशन के करीब का क्षेत्र, रुड़की के पास स्टेशन का क्षेत्र, दनदनाते हुए 120 की स्पीड में गाड़ियां निकल रही है। ये पुल के बराबर में पैदल चलने के लिए अलग से रास्ता बनाया गया है ताकि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन यहाँ इतनी पब्लिक नहीं है, फिर भी सुविधा दी गई है। और ये छोटी सहायक नहर जिसे रजवाहा बोलते हैं, ये मंगलोर के पास से निकलकर जा रही है। इधर पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं। फिलहाल यहाँ इतना अतिक्रमण नहीं हुआ है और बाईपास बनाने की जो ज़रूरत होती है, जिस के तहत गाड़ियाँ स्पीड में निकल जाए, वो काम यहाँ हो रहा है फिलहाल। लेकिन ये कब तक रहेगा ये देखना है। एक ये नहर किनारे पत्थर की क्रशर मशीन रोड़ी बनाने वाली लग चुकी है, जैसा कि पहले ही अंदेशा था। फिलहाल जमीन ज़्यादा महंगी ना होने की वजह से ऐसे ऐसे व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। इस सड़क पर एक विशेष सुविधा दी गई है, ये देखिए आप मेरे सामने बोर्ड है, आपातकालीन सेवा है, ये फ़ोन की सेवा है। बाय चांस आपका यहाँ टावर नहीं मिल रहा हो तो पीछे ये सुविधा लगाई गई है, इसमें फ़ोन करने की सुविधा है, सिस्टम है। ये सॉस के नाम से लिखा हुआ है, ये इसके सारे उपभोक्ता के लिए निर्देश है। कॉल बटन दबाएं, कृपया प्रतीक्षा करें, परिचालक जो से बात करें, फिर वो बात हो जाएगी। जो भी सुविधा है, नई सुविधा है, आधुनिक सुविधा है, कभी कभी इसलिए फोन नहीं होता है, कभी कभी टावर नहीं होते, तो इसके लिए एक तरह से जीवनदान का काम करेगा ये, कभी किसी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो। सामने सिस्टम लगा हुआ है, सोलर सिस्टम है ये, इसमें बकायदा चार्ज अपने आप होता रहेगा सोलर, और सिस्टम सब कुछ है, टावर वावर सब चेक करेगा। ये एक नई सुविधा इस मार्ग पर दी गई है जो जल्दी से दिखती नहीं है।
ये मार्ग के दूसरे तरफ भी वही सुविधा दी गई है फ़ोन की, लेकिन यहाँ एक ख़ास बात और है, यहाँ कुछ युवा इस बाईपास का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण पाल है। हम यहाँ पर स्पोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास ग्राउंड नहीं है इसलिए हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी आगे कुछ कामयाब होना है। ठीक है जी, कामयाब हो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे पास ग्राउंड नहीं, आप हमें ग्राउंड दिला दीजिए, हम बाकी अपने आप देख लेंगे। ठीक है जी, ओके जी। आपका नाम क्या है? विकास। तो आप स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, वैसे पुलिस में सेना में जाने की कोई इच्छा आपकी? आपकी कोई इच्छा? जी नहीं। बस आप गेम, कौन सा गेम खेलते हैं? स्प्रिंट जी, स्प्रिंट, स्प्रिंट मारते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 1500 मीटर, 400 मीटर। अभी आप इस गेम में कहाँ तक पहुँचे हैं, इससे पहले आपने कोई खास मुकाम हासिल किया हो? स्टेट लेवल तक जा चुके हैं। अच्छा, उत्तराखंड की तरफ से। जी जी। तो खेल महाकुंभ में खेलते हैं। तो गांव आपका पास में है? ये राजी गांव तानसीपुर है। तानसीपुर के हैं आप? अच्छा जी, तानसीपुर, बहुत बढ़िया जी। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ग्राउंड तो देखो आने वाले समय में आपको मिले ना मिले, लेकिन फिलहाल आप इस सड़क का सदुपयोग कर रहे हैं। ये तैयारी कर रहे हैं भागने की, ये खिलाड़ी के साथ साथ मुझे थोड़े बहुत नेता भी नजर आए। में हम फ्लाईओवर के ऊपर से निकल रहे हैं और नीचे रेलवे लाइन थी, अभी आपके सामने ही ट्रेन थी, ये रुकी होगी जो रेलवे लाइन जाती है वही है। ये रुड़की के निकट के गांव हैं, साथ सफरपुर वगैरह। सभी गांव से निकलने वाली सड़कें जो है अब बिना अवरोध के फ्लाईओवर के नीचे से निकल जा रही है। ये रुड़की से इकबालपुर को जाने वाली वो सड़क जो शॉर्टकट में हमेशा इस्तेमाल की जाती है। इंडस्ट्रियल एरिया दिख रहा है, जिसके समीप ही रामपुर और इब्राहिमपुर मतलबपुर ग्राम है। अब हम लगभग इस सड़क मार्ग, बाईपास सड़क मार्ग के अंतिम छोर की तरफ जा रहे हैं।
और सामने आप देख सकते हैं सर्दी की कांवड़ चल रही है जो हरिद्वार से जल लेकर अपने स्थानों पर दूर दूर से आकर ले जाते हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर रूड की दाई तरफ है और देहरादून 59 किलोमीटर। भगवानपुर और सालियर बाएं हाथ की तरफ से निकलना है। हम अब फ्लाईओवर के नीचे से निकलेंगे। सालियर सालापुर ग्राम का नाम है और ये STI की बिल्डिंग। देखिए किस प्रकार रुड़की शहर से आने वाले छोटे वाहन सभी नीचे से निकल रहे हैं। ऊपर फ्लाईओवर, नीचे रुड़की से आने वाले लोगों के लिए सड़क बनाई गई है। अच्छी खासी चहलकदमी आपको दिख रही होगी। ये सालियर का चेक पोस्ट, बहुत ही पुराना चेक पोस्ट है। इसमें यहाँ सभी वाहनों की चेकिंग होती है और हम वापस इस समय रुड़की सड़क पर आ चुके हैं जो कि पुरानी सड़क कहलाती है। यह रुड़की का वही पुराना शहर जो इस समय हम अब इब्राहिमपुर में है, जो रामपुर की तरफ रास्ता जाकर रुड़की मिल जाता है। ये कॉलेज है BSI और ये सामने जो मार्ग जा रहा है रुड़की की तरफ जा रहा है। मैं इस समय खड़ा हूँ श्री गुरु राम राय स्कूल के गेट के बाहर जो 1991 में खुला था। बचपन से हम देख रहे हैं स्कूल को और इधर पुराना देहरादून मार्ग जो कि देहरादून का था, इधर रुड़की से आपको जैसे बताया। अब हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को, आपसे फिर मिलेंगे। ऐसे नए ब्लॉग बनाते रहेंगे, ऐसे नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जानकारी लाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है सब्सक्राइब का वो भी हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आपसे मैं मिलता हूँ फिर अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।